जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम रेनी बैकग्राउंड बनाना सीखेंगे, तो मैंने यहाँ पर फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक न्यू इमेजेस को ओपन करूँगी। मैंने यहाँ पर एक नया इमेज ले लिया है। विंडो में जाके लेयर पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसको बैकग्राउंड लेयर को हम लेयर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी एक कॉपी लेंगे, आप यहाँ से कॉपी ले सकते हैं या फिर कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। जो पहली लेयर है मैं इसको हाइड कर दूंगी और इसके ऊपर हम एक न्यू लेयर लेंगे। अब मैं अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करूंगी। मेक श्योर आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। अब फिल्टर में जाकर नॉइज़ ऐड करेंगे, नॉइज़ ऐड नॉइज़, और यहाँ पर हम नॉइज़ 75 इनफ है। अब दोबारा से फिल्टर में जाएंगे, ब्लर मोशन ब्लर, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर डॉट जी सही लग रहा है, ये स्क्रीन भी सही है। अब विंडो में जाकर टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे और इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, न्यू फ्रेम लेंगे और इसको यहाँ से सिलेक्शन टूल, यहाँ से मूव टूल पर क्लिक किया है मैंने, न्यू फ्रेम लेके इसको हल्का सा नीचे की साइड मूव करेंगे, फिर से न्यू फ्रेम लेंगे और हल्का सा नीचे की साइड मूव करेंगे। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो हमने इंक्रीज किया वो इसके लेवल में ना आ जाए। मैंने लास्ट फ्रेम पर क्लिक किया हुआ है और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए फर्स्ट वाले पर क्लिक करूँगी और यहाँ से उसकी टाइमिंग 0.1 सेकंड कर दूंगी। और अब हम इसे प्ले करेंगे, आप देख सकते हैं इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जिप रखेंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं हमारा रेनी बैकग्राउंड बनकर तैयार है। नेक्स्ट वीडियो से हम एडोबी एनिमेट की क्लास शुरू करेंगे।